हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की बगिया में। फ्रेंड्स, ये जीनिया हैं और ये वही जीनिया हैं जो मैंने छोटे प्लांट लगाए हुए थे, और जब मैंने इनको लगाया था तो आप लोगों से वीडियो शेयर किया हुआ था। मैंने इसके सूखे फूलों को एक पॉट में डाला हुआ था और उनसे बेबी प्लांट रेडी हुए थे, उन्हीं प्लांट को मैंने लगाया हुआ है। और अब इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदरता से ये ब्लूम कर रहे हैं और काफ़ी बड बन रही हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसीलिए से मैं ये जीनिया आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप हमारी वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो ये जीनिया हैं और जब मैंने इनको लगाया था तो आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है। अगर आपको कहीं जीनिया के फूल मिलते हैं तो आप उनके सूखे फूलों को किसी भी पॉट में डालेंगे तो उनसे बेबी प्लांट रेडी होंगे, और उन प्लांट को आप चाहे तो किसी पॉट में या क्यारी में आप लगा सकते हैं। इसी तरह से ग्रोथ होगी और उनमें फ्लावर आएंगे। और ये डॉर्फ जीनिया है, जब मैंने लगाया था तो ये बहुत ही छोटे थे, अभी इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। बड़े ही सुंदर फूल लग रहे हैं, पिंक जीनिया है, डॉर्फ वेराइटी है, इसमें कई कलर आते हैं। और मैंने तो दो कलर के ला करके अपने गार्डन में लगाए हुए थे, एक ऑरेंज और एक पिंक, और पिंक के बीज मैंने डाले हुए थे। तो देखिए, इनमें अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इसी तरह से आप भी अपने गार्डन में इसको ऐड करिए और इसके सुंदर सुंदर फूलों का आनंद उठा सकते हैं। इस रेनी सीज़न में इसकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती है, बहुत ईजिली लगने वाला ये प्लांट है। जिस तरह से मैरीगोल्ड आप अपने गार्डन में लगाते हैं, उसी तरह से सेम जीनिया को भी लगाना है। जैसे उसके बीज तैयार होते हैं, प्लांट रेडी होते हैं, उसी तरह इसके भी होते हैं। बहुत ईजिली इनके प्लांट बन जाते हैं और आप अपने गार्डन में इनको लगा सकते हैं। मैंने एक पॉट में चार प्लांट लगाए हुए हैं और चारों ही अच्छी तरह से ग्रोथ पे हैं। आप देख सकते हैं एक पॉट में कितना घना व बुशी प्लांट ये रेडी हुआ है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी बड बनी हुई हैं और फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। मैं अब इसमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग लूँगी अपने इस प्लांट में, और समय समय से मैं आप लोगों से वीडियो के थ्रू शेयर करती रहूँगी। जब इनके प्लांट रेडी हुए थे और मैंने उनको जगह जगह लगाया हुआ है, सभी की अच्छी ग्रोथ हो रही है। जब छोटे थे प्लांट तो इनमें फ्लावर का कलर तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब फ्लावरिंग करने पे पता चल रहे हैं कि इसमें कौन कौन से कलर आ रहे हैं। अभी तो ये पिंक हैं और मैंने टॉल वैरायटी भी लगाए हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी कि अगर आपको भी लगाना है तो किस तरह से लगाएं ताकि ये आपके गार्डन में हमेशा बने रहें। अगर आप इनको और भी घना करना चाहते हैं तो थोड़ी सी इसकी पिंचिंग वगैरह करिए ताकि ये और भी घना बुशी हो जाए। पर मैंने एक पॉट में चार प्लांट लगाए हुए हैं, ये वैसे भी घना है, इसलिए से मुझे इसे घना नहीं करना है। और जो भी इसकी फ्लावरिंग है वो अच्छी तरह से हो, यही मैं चाहती हूँ। तो अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये वही छोटा सा पॉट है जिसमें मैंने सूखे हुए फूलों को डाला हुआ था और बेबी प्लांट रेडी हुए थे, और मैंने काफ़ी प्लांट लगा दिए हैं और अभी भी इनमें कुछ बचे हुए हैं, इनको भी मैं लगा दूँगी। तो इसी तरह से आप सूखे हुए फूलों को डालिए और काफ़ी प्लांट तैयार हो जाएंगे। इस ग्रो बैग में मैंने कुछ मिक्स एंड मैच प्लांट लगाए हुए हैं, इसी के साथ मैंने जीनिया भी लगाई हुई है। आप देख सकते हैं शिलोसिया लगी हुई है और शिलोसिया के साथ मैंने एक जीनिया लगाया हुआ है। इसमें दो प्लांट जीनिया के लगे हुए हैं और दोनों में अच्छी ग्रोथ चल रही है। आप देख सकते हैं अभी एक तो बड नहीं आ रही है और दूसरे में बड आ गई है, और शायद ये रेड कलर के हैं, और जब रेड कलर का फ्लावर आएगा तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, जो जीनिया का है। और ये टॉल वैरायटी है, इसी के साथ लगे हुए हैं ग्राइडिया, और मैंने एक ही ग्रो बैग में तीन प्लांट लगाए हुए हैं और सभी की अच्छी ग्रोथ चल रही है। यहाँ पर मैंने कुछ इकट्ठे ही तीन चार प्लांट लगा दिए हैं, देखते हैं इनकी क्या ग्रोथ होती है। अभी तो ये स्वस्थ हैं और बारिशें हो रही हैं, जब इनमें फ्लावर आएंगे तो इसको भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये हैं हमारे वो जीनिया के पुराने प्लांट जिनके बीजों से मैंने प्लांट रेडी किए हुए हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी बंच में ये फ्लावरिंग कर रहे हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इनमें एक ये ऑरेंज कलर है, दूसरा है पिंक, और एक मज़े की बात है कि पिंक के साथ में रेड भी हो रहे हैं। ये हाइब्रिड का ही कमाल है, और आप देख सकते हैं इसके सभी फूल पिंक कलर के हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और इसी के साथ देखिए ये रेड कलर के हो रहे हैं। प्लांट एक ही है, इसमें दो प्लांट नहीं हैं, और आप देख सकते हैं पिंक अलग दिख रहे हैं और रेड अलग दिख रहे हैं,
और ये रेड कलर देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, तो इन्हीं के बीजों को अब मैं अपने गार्डन में डालने वाली हूँ। जब ये फूल सूख जाएंगे तो मैं इनको कहीं ना कहीं डाल दूँगी, जिससे कि बेबी प्लांट रेडी हो जाएंगे। और अब मैं रेड जीनिया अपने गार्डन में ऐड करूँगी। तो कितने ही कलर होते हैं इसमें, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप इसमें कौन सा कलर ऐड करना चाहते हैं। और फ़िलहाल कलर सभी अच्छे होते हैं और प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ होना चाहिए और अच्छी तरह से उनमें फूल आने चाहिए, तभी देखने में अच्छे लगते हैं। आप इनकी थोड़ी सी केयर करेंगे तो आपके गार्डन में ये अच्छी तरह से साल भर फ्लावरिंग करते हैं। और हमेशा ही आप इनके बीज कहीं ना कहीं डालते रहिए और पुराने प्लांट हटाते रहिए, नए को लगाते रहिए, तो आपके गार्डन में ये हमेशा बने रहेंगे। जो जीनिया के फूल हैं, कुछ करना नहीं है, बहुत ईजिली आपके गार्डन में ऐड हो सकते हैं। यदि आपके यहाँ धूप हो रही है तो आप थोड़ा धूप से इसको बचाइएगा और इसकी मिट्टी में नमी बना करके रखिएगा, तो ये काफ़ी दिन आपके गार्डन में बने रहेंगे। अगर रेनी सीज़न है और बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो आप इसको तब भी कहीं शेड में रखिए, ताकि इसमें बारिशों का पानी ज़्यादा ना पड़े। वैसे तो मैंने इसको टेरेस पे ही रखा हुआ है और हमारे यहाँ लगातार बारिशें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी मिट्टी को मैंने बहुत ही मॉइस्ट बनाया हुआ है। वेल ड्रेन मिट्टी है और देखिए मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ है, पर इसमें कीचड़ नहीं है। मिट्टी बहुत ही जल्दी वेल ड्रेन हो जाती है। तो यदि इसी तरह से आपके पॉट की मिट्टी होगी तो फ्लावर आपका काफ़ी दिन तक फ्लावरिंग करेगा। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बस इनका आप ध्यान रखिए तो आपके गार्डन में जीनिया काफ़ी दिन तक फ्लावरिंग करेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।